एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सुनीता। आज का जो टॉपिक है इज रिलेटेड टू कि आपकी स्किन के लिए, बेसिकली आपकी स्किन को रिजुविनेट करने के लिए और आपकी स्किन पे ग्लो लाने के लिए और आपकी स्किन को एकदम चमकता हुआ बनाने के लिए कौन से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर जो है दाग धब्बे ना आए, आपकी स्किन जो है वो साफ रहे, सेल्स जो है वो रिजुविनेट करें, ठीक है। और वो कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो आपको लेना बहुत ज़रूरी है अलॉन्ग विद योर डाइट, जिसमें कि आपका कार्ब्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, ठीक है, और प्रॉपर स्लीप हो। तो उसके बाद अलग से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में लेनी ही चाहिए, जिससे कि आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, सेल्स जो रिजुविनेट करेंगे और जो मार्क्स हैं बेसिकली शरीर के ऊपर या फिर आपकी जो फेस के ऊपर वो कैसे सबसाइड हो सकते हैं। द फर्स्ट वन थिंग इज़ कोलेजन फाइबर, ठीक है। जो कोलेजन होता है वो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट होता है आपकी स्किन के लिए, या आपकी स्किन कि जो इलास्टिसिटी है उसको इंटैक्ट करके रखता है और स्किन ग्लो करने में हेल्प करता है। विटामिन सी जो होता है, सेकंड जो है विटामिन सी है, विटामिन सी जो होता है वो आपकी स्किन के ऊपर ग्लो लाने में हेल्प करता है, प्लस जो मार्क्स होते हैं उनको सबसाइड करने में हेल्प करता है, और स्किन की रिपेयरमेंट में भी कहीं ना कहीं विटामिन सी हेल्प करता है, प्लस आपकी इलास्टिसिटी और स्किन को इंटैक्ट रखने में भी विटामिन सी काफ़ी हद तक हेल्प करता है। अगर हम थर्ड बात करें तो दैट इज़ द बायोटिन। बायोटिन इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, वेरी गुड न्यूट्रिएंट और बोलेंगे हम विटामिन, जो कि बहुत ज़रूरी होता है आपकी बॉडी के लिए। ये आपकी सेल्स की ग्रोथ को हेल्प करता है, आपकी हेयर की ग्रोथ में हेल्प करता है, आपकी स्किन की और हेयर की शाइनिंग में हेल्प करता है, और स्किन को इंटैक्ट रखने में, इलास्टिसिटी लूज ना हो उसको मेंटेन करने में हमारा बायोटिन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप तीन न्यूट्रिएंट्स पूछेंगे तो दैट इज़ द कोलेजन, विटामिन सी और बायोटिन, ठीक है। ये तीनों आप सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी ले सकते हो, प्लस आप डाइट में जो नेचुरल डाइट होती है, क्योंकि प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स हैं और विटामिन हैं जो कि आपको प्लांट से बहुत ईजिली मिल सकते हैं। ये पाउडर फॉर्म में भी मिलते हैं, सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी मिलते हैं, और खाना यानी कि जो आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेते हैं उनमें भी आपको मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसको डाइट की फॉर्म में ले लो या टैब्स की फॉर्म में ले लो, जैसे लेना चाहते हैं वैसे ले लीजिए, लेकिन इसकी प्रॉपर मात्रा होती है अकॉर्डिंग टू योर हाइट, वेट एंड एज, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको ये तीनों चीज़ें लेनी है और प्रॉपर मात्रा में लीजिए, तो आपको डेफिनेटली अपनी स्किन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे, आपको स्किन में जो है ग्लो दिखेगा, आपकी स्किन इंटैक्ट होती हुई दिखेगी, आप मतलब थोड़े यूथ यानी कि यंग भी दिखोगे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको लेनी चाहिए फॉर ग्लोइंग स्किन, ठीक है। या दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्प्रेड दिस वीडियो विद अदर्स। बाय, टेक केयर।